हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, अगर आप भी नया एयर कंडीशनर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कॉपर ट्यूब वर्सेस एल्युमिनियम ट्यूब एयर कंडीशनर में। इनमें क्या फर्क है, कौन सा बेटर है और कौन सा हमको बाय करना चाहिए, इस वीडियो को देख के आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा एयर कंडीशनर बाय करना है, कॉपर ट्यूब या फिर एल्युमिनियम ट्यूब। हमको 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है हीट ट्रांसफर का। अलग अलग मेटल की हीट ट्रांसफर करने की क्षमता अलग अलग होती है। कॉपर की हीट ट्रांसफर करने की क्षमता एल्युमिनियम से ज्यादा है। कॉपर बेटर हीट एक्सचेंजर है एल्युमिनियम के अगेंस्ट। तो अगर हीट ट्रांसफर अच्छे से होगी तो हमारा एयर कंडीशनर कूलिंग इफेक्ट भी अच्छे से प्रोड्यूस करेगा। तो इस पहले पॉइंट का हमको ध्यान में रखना है। नंबर सेकंड पे है स्ट्रेंथ। कॉपर कॉइल की स्ट्रेंथ एल्युमिनियम कॉइल से ज्यादा होती है, यानी कि कॉपर कॉइल ज्यादा स्ट्रोंगर होती है एल्युमिनियम कॉइल के अगेंस्ट। कॉपर कॉइल के डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं एल्युमिनियम कॉइल के अगेंस्ट। एल्युमिनियम कॉइल अगर डैमेज हो जाए तो उसमें रिप्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नंबर तीन पे है मेंटेनेंस। कॉपर कॉइल वाले एयर कंडीशनर को रिपेयर करना इजी है एल्युमिनियम कॉइल के अगेंस्ट। एल्युमिनियम कॉइल में ब्रेजिंग करना यानी कि वेल्डिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसी कारण कंडेंसर के रिप्लेसमेंट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और कॉपर कॉइल की ऑन साइट रिपेयर करना उसको इजी रहता है। ऑन साइट मतलब कि हमारा जो एयर कंडीशनर यूनिट होता है वो उसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो या फिर छत पे लगा होता है या फिर किसी वॉल पे हैंग होता है, तो उसको उसी पोजीशन में रिपेयर करना इजी रहता है कॉपर कॉइल में। नंबर फोर पॉइंट है क्रोजन। क्रोजन दोनों में होता है, एल्युमिनियम में भी होता है और कॉपर में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो किस एनवायरनमेंट में लगा हुआ है। वो ज्यादा डस्टी एनवायरनमेंट में है या फिर वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है या फिर वहां पे धूप ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है क्रोजन कि वो किस एनवायरनमेंट में लगा है। क्रोजन लगने से क्वाइल के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे हीट ट्रांसफर की क्षमता कम हो जाती है और ओवरऑल एयर कंडीशनर की कूलिंग भी कम हो जाती है। इसको क्रोजन को दूर करने के लिए इसको क्लीन करना पड़ता है ब्रश के साथ। कॉपर ट्यूब को अगर हम ब्रश से क्लीन करते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं एल्युमिनियम क्वाइल के अगेंस्ट, तो ये भी पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। नंबर फाइव पे है कोस्ट। कॉपर एल्युमिनियम से ज्यादा कॉस्टली है, यही कारण है कि कॉपर कॉइल वाले एयर कंडीशनर भी एल्युमिनियम कॉइल वाले एयर कंडीशनर से ज्यादा कॉस्टली हैं। एल्युमिनियम कॉइल का यूज इसीलिए किया गया है ताकि ओवरऑल एयर कंडीशनर की जो प्राइस है उसको कम किया जा सके। नंबर सिक्स पॉइंट पे है ओवरऑल लाइफ। कॉपर कॉइल वाले एयर कंडीशनर की लाइफ एल्युमिनियम कॉइल वाले एयर कंडीशनर से ज्यादा है और ये कूलिंग भी एल्युमिनियम कॉइल वाले एयर कंडीशनर से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे जिनका हमको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख के आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कॉपर ट्यूब एयर कंडीशनर लेना है या फिर एल्युमिनियम ट्यूब एयर कंडीशनर लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या फर्क है और ये इनमें जो प्राइस का डिफरेंस है ये इतना क्यों है, वो उस टॉपिक पे बात करेंगे।